आप लोगों को भी ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम करना और पैसे कमाने पर आप लोगों को अच्छी डाटा एंट्री की वेबसाइट नहीं पता जहाँ पे आप लोग काम करके पैसे कमा पाओ, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मतलब आज मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छी वेबसाइट लेकर यहाँ पे आप लोग डाटा एंट्री का काम करके डेली 1000-1500 रुपए तक कमा सकते हो। हमारी टीम के बंदे भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आप लोग भी ना यहाँ पे काम करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। बेसिकली आप लोगों को करना क्या, यहाँ पे डाटा एंट्री का काम करना, आपको डेटा दे दिया जाएगा, आपको उसको अच्छे से एंटर करना, बिल्कुल ध्यान से एंटर करना, काफी अच्छी वेबसाइट, आप लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज के वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप लोग ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो, डेली 1000-1500-2000 रुपए तक कमा सकते हो। आपके काम पे डिपेंड है कि आप कितना काम करोगे। देखो इस काम में आपको कहना क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी ध्यान रखना है कि आप अच्छे डेटा एंटर करो, ये नहीं कि आप गलत सलत डेटा एंटर कर दो वरना होगा कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छी वेबसाइट, आप लोग काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। देखो इस वेबसाइट में ना बेसिकली आप लोगों को डेटा एंट्री का काम करना, पर एक बात का ध्यान रखना, डेटा ना काफी ध्यान से एंटर करना वरना आप कुछ भी मिस्टेक करोगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग पर्सनैलिटी हो, आपको ऑनलाइन काम करके पैसे कमाने पर आपको कोई काम नहीं आता कि क्या काम करे कैसे पैसे कमाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन टाइपिंग का काम करके डेटा एंट्री का काम करके पैसे कमाने के लिए सबसे पहले हम लोग चले अपने क्रोम ब्राउजर पे। जो लोग अपने फोन से कर रहे हैं वो लोग अपना क्रोम ऐप खोलो, मैं लैपटॉप इसे समझो लैपटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है आप लोग बहुत अच्छे समझ आए, तो चले अपने क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर बनकर आज जो मैं आप लोग के लिए वेबसाइट लेकर ना काफी ज्यादा भाई रियल वेबसाइट है, काफी ज्यादा जेन्युइन वेबसाइट है, आप लोग डाटा एंट्री का काम करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। वेबसाइट का नाम है getginia.kaka, getginia.kaka। देखो ये वाली वेबसाइट मैं आप लोग को दिखाता हूँ, पहली वाली वेबसाइट है getginia.kakahire.com। यहाँ पे ना आप लोग डाटा एंट्री का काम करके काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो। हमारी टीम के बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो हम आ जाते हैं पहली वाली वेबसाइट पे। देखो हम आ चुके हैं इस वाली वेबसाइट पे, आप देखो कितनी सारी पोजिशन ओपन है, आपको कौन सा काम करना है, आपको पहला वाला बिलिंग वाला काम करना है। ठीक है, अब बिलिंग में क्या काम है, देखो इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम है, हम चले जाते हैं इस पे। देखो इसके बाद क्या है, देखो क्या डिपार्टमेंट के सब मीटर बिलिंग, आपको बिलिंग करनी है बेसिकली। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा काम है, हमारी टीम के बंदों ने यहाँ पे अप्लाई भी किया, इनको काम भी मिला, काफी अच्छे यहाँ पे ना आपको पैसे मिल जाएंगे। बेसिकली आपको काम करना है बिलिंग करनी है, समझिए, यहाँ पे आपको डेटा एंट्री का काम करना है और आपको काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बहुत बंदे कहेंगे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 से 3 साल का, भाई कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब देखो ये हो गया, अब इसका काम क्या, देखो सब मीटर बिलिंग का काम है, ऑपरेशन मैनेजर, 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस, कोई टेंशन मत लो, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, इंडिया, रिमोट मतलब आपको घर पे बैठ के काम करना है, रिमोट मतलब होता है वर्क फ्रॉम होम। इसका शिफ्ट की टाइमिंग क्या, मंडे से फ्राइडे 8:30 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक IST। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कंपनी क्या है, गिनिया वाज बिल्ड ऑन अ फाउंडेशनल लिस्टिंग टू एंड अ सर्विसिंग एंड आर कमर्शियल रियल एस्टेट कस्टमर नीड स्टार्टिंग विद आवर फ्लैगशिप ओवर टाइम HVAC प्रोडक्ट। तो एक गिनिया नाम की कंपनी है, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि क्या रियल इस्टेट में करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ दिया हुआ है अच्छे से। गिनिया या फैमिली ऑफ सोल्यूशन आर डेयर टू इम्प्रूव कॉमर्शियल रियल इस्टेट ऑपरेशन। ठीक है, तो रियल स्टेट की कंपनी है बेसिकली। अब देखो कंपनी के बारे में तो हमने समझ लिया, हमारा क्या जॉब है, हमें क्या काम करना है, ये हम लोग देखते हैं। देखो तो हमें क्या काम करना है, हमें इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट का काम करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बिलिंग वगैरह करना है। बिलिंग वगैरह कैसे करना है, हमें ना बेसिकली डेटा को एंटर करना है, डेटा एंट्री करना है। ठीक है, और ये काफी ज्यादा बढ़िया कंपनी है जो ना गिनिया, काफी ज्यादा बढ़िया कंपनी है और ये फेमस कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा फेमस कंपनी है, तो यहाँ पे आपको बिलिंग का काम करना और पैसे कमाने, और ऐसे ऐसे कंपनी में काम किया करो ना। बहुत बंदे क्या होता है, कुछ भी वेबसाइट्स के बारे में बता देते हैं, ये वेबसाइट और ये जो कंपनी है ना गिनिया काफी ज्यादा फेमस वेबसाइट है, काफी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे आप लोग काम करोगे काफी अच्छे पैसे कमा लोगे। कंपनी कहाँ के, US की है, यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है और काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है। तो हम चलते हैं वापस से, हमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे हमें काम मिलेगा, कैसे पैसे मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब कंपनी के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया क्या कंपनी है, कैसे कंपनी है, काम क्या हमारा डेटा एंट्री का काम है, डेटा एंट्री का ही बेसिकली काम है, इनवॉइस जनरेशन मतलब डेटा एंट्री समझ लो। इसके बाद बिलिंग डिपार्टमेंट में हमें इंश्योर करना हाई लेवल कस्टमर सपोर्ट, जहां पे हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, टाइमली काम होना चाहिए। ठीक है, और वैलिडेशन और डाटा इनवॉइस बिजनेस सिस्टम। अब देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या,
कि हमारा जो डेटा हम एंटर करेंगे ना काफी ज्यादा एक्यूरेटली एंटर करेंगे। पहली चीज तो ये कंप्लीटनेस, मतलब अच्छे कंप्लीट करेंगे, टाइमली डेटा को एंटर करेंगे, वैलिडेशन ऑफ डेटा इन बेस्ट बिजनेस सिस्टम, ठीक है, जैसे हम समझ गए। आपके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, तो ये समझो। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या रहेगी, एक्यूरेटली एंटर मीटर रीडिंग एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन। हमें ना एक्यूरेटली एंटर करना है मीटर की रीडिंग को और बिलिंग इन्फॉर्मेशन को, मतलब मीटर में जितनी भी रीडिंग होगी ना उसको हमें एक्यूरेटली मतलब एंटर करना है। अब देखो एक बात समझो, जैसे हमारे घर पे बिजली का बिल आता है तो आता है ना कि इतना यूनिट हमने उठाया, इतना बिल हमारा आया, तो ऐसे ही आपको ना मीटर की रीडिंग और बिलिंग को अच्छे से डालना है। मानो हमारे मीटर में आ गया कि हमने मानो 200 यूनिट उठाया, 300 यूनिट गलती से टाइप हो गया, हम कितना हंगामा कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही आप किसी में 200 की जगह 300 यूनिट कर दोगे तो ये बंदा कितना कंप्लेन करेगा कंपनी को, कंपनी को कंप्लेन करेगा, कंपनी आपको निकाल देगी। तो एकदम एक्यूरेटली आप डेटा को फिलअप करना, एक एक डेटा को। अब इसके बाद यही है कि कम्युनिकेट करना है कस्टमर के साथ, कम्युनिकेट करना है एंड इनवॉइस स्पेशली रिगार्डिंग एबनॉर्मैलिटी विथ रिगार्डिंग यूटिलिटी रेट्स, मतलब कहीं कुछ सिस्टम में गलती हो जाए ना कि आपने कुछ गलत कर दिया ये वो। आपको क्रिएट करना है एक्सेल और पीडीएफ फाइल्स का रिपोर्ट का, रिपोर्ट का ना आपको एक्सेल और पीडीएफ फाइल में रिपोर्टिंग बनानी है, और इनवॉइस को अपलोड करना है, फाइल को सब कुछ अच्छे से करना है, बेसिकली डेटा एंट्री का काम है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जैसे मानो बीएससीएस का जो बिल होता है वही जैसे हम देखते हैं बीएससीएस का बिल होता है जो हमारे घरों पे आता है या आपके घर पे जो भी आता होगा, तो यहाँ पे लिखा होता है ना कि भाई कितने यूनिट आया है, क्या आया है। जैसे अगर हम देखें कि कितने यूनिट आए, 19,150 रुपए का बिल आया है, कैसे क्या आया है, वो सब कुछ लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे कितने यूनिट उठा है सब कुछ, तो ये कोई एंटर करता है, समझिए एक एक डेटा को एंटर होता है, चेकिंग होती है। तो ऐसे ही आपको काम करना है और काफी सही आप लोग पैसे कमा लोगे। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो क्वालिफिकेशन में हाई स्कूल डिप्लोमा और जनरल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब बेसिकली आप लोग 12th पास हो तो कर सकते हो। अब देखो 1 से 3 साल का ना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप डाल देना कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है डेटा एंट्री में, आपको काम मिल जाएगा, कोई आपसे प्रूफ नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी टीम के बंदों ने भी यहाँ पे अप्लाई किया ना, तो उनसे कोई प्रूफ नहीं मांगा गया कि भाई दिखाओ प्रूफ, दिखाओ कि आपने काम किया भी है कि नहीं, ऐसा आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद क्या, और इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन एजुकेशन एक्सपीरियंस। इसके बाद कंप्यूटर स्किल्स में कौन कौन से कंप्यूटर स्किल रिक्वायर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन आपको चलाने आने चाहिए, कौन कौन से, एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, आउटलुक आना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता ना तो आप एक काम करो, मेरे यूट्यूब चैनल है हेल्प फ्लाइज करके, इसमें मैं आप लोगों को एक्सेल वगैरह सिखाता है, तो आप यहां से सीख लो। जैसे दिखाता हूं एक्सेल की वीडियो, वर्ड की वीडियो, पावर पॉइंट की वीडियो में डालता है, तो आप लोग यहां से सीख सकते हो, ठीक है। बेसिक आप सीख जाओगे, मानो आपको 2 से 3 घंटा लगेगा, आप बेसिक सीख जाओगे, ठीक है। ये सीखने के बाद डेटा एंट्री की आपकी टाइपिंग स्पीड वगैरह अच्छी होनी चाहिए। अब देखो इतना तो हो गया कि हमारी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। इसके बाद का यही है कि आपको डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, यही सब है, क्वांटिटी क्वालिटी सब अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन इनिशिएटिव, डिपेंडेबिलिटी, ठीक है, ये सब अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। पर्क्स वगैरह और बेनिफिट्स क्या क्या ये लोग ऑफर करते हैं, अब देखो आपको कितने पैसे मिलेंगे, कितनी छुट्टी मिलेगी, ये सब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ऐसे ऐसे कंपनी में काम किया करो ना, काफी अच्छे पैसे कमा लोगे। आप लोग क्या करते हो, किसी भी वेबसाइट्स पे चले जाते हो, अप्लाई कर देते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हो, भाई ऐसा मत करो। ये सब अच्छे अच्छे फेमस फेमस कंपनीज होते हैं, उसमें जॉब किया करो। इसे होता क्या है, मानो आपने 2-3 महीना काम किया, ठीक है, इसके बाद मानो आपने नहीं किया, कोई बात नहीं, पर आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप मानो कल को दूसरी कंपनी में भी जाओगे ना, तो इतना ज्यादा वर्क जमेगा कि भाई इस बंदे ने काम किया हुआ है एक अच्छे कॉर्पोरेट में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, वर्क योर वे, मतलब इंजॉय अ फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरमेंट डेट सूट योर लाइफ स्टाइल। यहाँ पे ना काफी अच्छे से, मतलब आप अच्छे से फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरमेंट होगा, देखो घर से काम होगा, ठीक है। पहली बात तो ये, आपको जब काम करना है आपके सीनियर्स आपके हेल्प करेंगे, काफी अच्छा सिस्टम। इसका टाइम ऑफ क्या है, 24 डेज ऑफ पीटीओ एंड 10 होलीडेज, मतलब 24 डेज आपको काम करना है और 10 छुट्टी है। सोचो एक हफ्ते में आपको, एक महीने में आपको 10 छुट्टी मिलेगी, और आपको क्या चाहिए, टू अनवाइंड एंड परस्यू योर पैशन, मतलब आपको और भी कई चीज में मानो पैशन है कि आपको कोडिंग अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छा लगता है, आपको कुछ भी, तो आपको 10 दिन की हॉलीडे मिलेगा, काफी सही है, ठीक है। इसके बाद क्या, 24 डेज मैं आपको बताता हूँ ये क्या पीटीओ वगैरह। अब बहुत बंदे कहेंगे 24 डेज हम काम करेंगे 10 दिन छुट्टी, तो भाई वो तो 34 दिन हो गए, ये मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, टेंशन मतलब अभी मैं आपको सब बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे पैसे मिलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो जिसको काम मिला है ना उसका पेन प्रूफ वगैरह भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देखो
दिक्कत क्या हो जाती है ना, बहुत सारी जो कंपनीज होती है ना वो अपने ना पेरेंट प्रूफ को शो नहीं करने देती। और बाकी आप लोग की मैं पर्सनली हेल्प करूंगा, होता है ना बहुत बंदे मुझे मैसेज करने लगते हैं छोटी छोटी बात के लिए, तो छोटी छोटी बात के लिए मत क्या करो, मैं आप लोग की हेल्प करूंगा, टेंशन मतलब सबको काम मिलेगा, सब पैसे कमाएंगे। इसके बाद क्या है, लीव ऑप्शन इंक्लूडिंग मैटरनिटी, प्रेगनेंट, वेडिंग, मतलब जितनी भी लीव्स है ना वो सब आपको मिलेगा, ठीक है, जितनी भी ये सारी लीव्स है वो सब आपको मिलेगा। हेल्थ एंड सेफ्टी बेनिफिट्स क्या, फैमिली इंश्योरेंस मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और टॉप वर्क स्पेस ऑनर्स सेलिब्रेटेड एंड सॉफ्ट वर्क स्पेस फ्रॉम 2021 टू 2023 जो हो गया। और बैलेंस लाइफ इनका ना 5 डे का वर्क शेड्यूल है, ठीक है, मतलब 1 हफ्ते में आपको 5 दिन काम करना है। काफी सही है भाई, यहाँ पे आप काम तो करो, काफी आपको मजे आएंगे। हमारी टीम के जो बंदे काम कर रहे हैं ना काफी मजा आ रहा है, मैं आप लोगों की पर्सनली मदद करूंगा इधर अप्लाई करने में जिनको दिक्कत आएगी। वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ पर मैं आपकी पर्सनली भी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। आप लोग क्या करना, मुझे मेल कर देना, पर जिनको प्रॉब्लम है वही मेल करना, ये नहीं कि अंकित भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, छोटी छोटी दिक्कत वाले आप लोग मेल मत करना। अब देखो यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे हमें क्लिक करना है, जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक एक चीज को कैसे फिलअप करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का, ये जिसने अच्छे देख ले उसको काम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले ना हमें अपने रिज्यूम को डालना है, तो रिज्यूम कैसे, बहुत बंदों का रिज्यूम होगा नहीं तो ये मैं आप लोगों को बनाना सिखा देता हूँ। आप लोग आ जाओ कैनवा पे, कैनवा बिल्कुल फ्री है, देखो बिल्कुल फ्री है कैनवा, यहाँ पे कुछ पेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली आपको ऊपर सर्च वाला बटन दिख रहा है, इस पे आप लोग रिज्यूम लिखना है। जब भी आप लोग रिज्यूम लिखोगे रिज्यूम के काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको रिज्यूम का जो भी टेम्पलेट सही लगता है इस पर क्लिक करो। अब देखो रिज्यूम के काफी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, अब ये वाला टेम्पलेट फ्री है, मतलब ना लगभग ऑलमोस्ट जहां पे देखो ये बना हुआ है ना प्रो वो बस पेड है, ठीक है, ये देखो ये फ्री है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस पर हम कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर हम क्लिक करेंगे, और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करने का देखो मैं आप लोग को बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे हमें कस्टमाइज करना है, कस्टमाइज कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अंकित, यहाँ पे मैं कर देता हूँ झा, ठीक है, अंकित झा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहाँ पे ना पूरा अपने बारे में, एक मिनट इसको थोड़ा आगे करता हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे देखो ये मैं पूरा आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरा अच्छे फिलअप करना अपने बारे में, क्या क्या हो क्या हो, अपना मोबाइल नंबर दे देना जिससे ये लोग ना आपको रीच कर सके, मानो आपको व्हाट्सएप का नंबर कोई और है, कॉलिंग का नंबर कोई और है, तो दोनों देना, दोनों में लिख देना कि ये व्हाट्सएप का नंबर ये कॉलिंग का नंबर है। यहाँ पे अपना मेल दे देना, यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना, यहाँ पे जो जो लैंग्वेज आपको आती है, आपको ना इंग्लिश आनी चाहिए, समझिए, इंग्लिश मतलब कॉलिंग पे नहीं आती कोई बात नहीं, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना, हमारी टीम के बंदे भी यही करते हैं, मैं खुद यही करता हूँ भाई क्लाइंट्स को टैकल करने के लिए। अब जैसे मानो आपको इनको लिखना है कि जो सर कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, तो देखो आ गया ना सर, हाउ मच आवर विल यू हैव टू वर्क, ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको कर सकते हो। ये जो आपको मैसेज भेजे यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा, तो ऐसे करके आप लोग गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना, ये करके पूरा अच्छे से एक एक डेटा को फिलअप करना, एक एक डेटा में जहां जो लिखा हुआ है, इसके बाद फाइल में जाके यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर देना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड होने का क्या करना है, ये आप लोग फोन में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अपने रिज्यूम को अपलोड करना है, यहाँ पे अपने रिज्यूम को अपलोड करना, तो यहाँ पे रिज्यूम अपलोड हो रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडल नेम हो तो डालना, और अगर मिडल नेम ना हो तो लास्ट नेम डाल देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको मेल डालना है, जो मेल एक्टिव हो ना वही मेल डालना है, ठीक है, आपका जो भी, जैसे मेरा मेल है स्किल फ्लैश, तो जो मेल पे आप एक्टिव रहते हो वही डालना। और एक बात का ध्यान रखना, आपके नाम से मेल हो तो ज्यादा सही रहेगा। इसका जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर देना, इसके बाद अपना नंबर डाल देना, यहाँ पे ना कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस डाल देना, 1 साल, कोई 3 महीना कर देना, कोई 1 साल 4 महीना कर देना, ठीक है, ये सब करना। आप देखो मेन एज क्या है, रिज्यूम पे मेन है डिपेंड, आपके रिज्यूम पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो रिज्यूम काफी अच्छा बनाना। इसके बाद आपकी करेंट सैलरी, जहां पे आपका एक्सपीरियंस है, तो आप डाल देना 22,000, मतलब याद रखने का अमाउंट 1500 ऊपर डालना और 30 से नीचे डालना, तो ऐसा आप अपने हिसाब से डाल देना। यहाँ पे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जितना आपका पिछला है ना उससे 2-3 हजार ज्यादा डाल देना, ठीक है। आपके करंट लोकेशन कौन से, तो करंट लोकेशन हमारी इंडिया, आप कर देना। अवेलेबल टू ज्वाइन, आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हो, तो आप कर देना, ये मत करना कि कल ही कर दूंगा, कम से कम 10
यानी फाइव ऐसे लिख देना, रेफरेंस नेम किसके रेफरेंस से मिला, इसका कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आई एग्री और अप्लाई कर देना, अप्लाई हो जाएगा ठीक है। ये लोग आपको इंस्टेंटली एक मेल भेजेंगे जीमेल पे ठीक है, जीमेल पे आपको एक मेल भेजेंगे, इसके बाद आपसे ये लोग कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे 24 से 72 घंटे के अंदर ठीक है। और आपका रिज्यूम अच्छा लगेगा तो आपको जॉब दे देंगे, आपको ना डेमो वर्क देंगे, आपको उस डेमो वर्क को पूरा करना है, जब आप उस डेमो वर्क को पूरा कर लोगे तो आपको जॉब पे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलेगी इस कंपनी में और आप लोग काफी सही पैसे कमा लोगे, काफी अच्छी कंपनी है, काम करो काफी सही पैसे कमा लोगे। हमारी टीम के बंदे भी काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात है आप लोग काम करो, किसी को कोई भी दिक्कत है ना कोई भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि अंकित भाई ये दिक्कत आ रही है बताओ कैसे सही होगा, अंकित भाई ये दिक्कत आ रही है बताओ कैसे सही होगा, वो दिक्कत आ रही है बताओ कैसे सही होगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा, काफी अच्छे पैसे कमाने लग जाओगे। तो आप लोग जल्दी से जाओ अप्लाई करो, कोई दिक्कत है वापिस से पूछ लेना, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।